नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमसीसी घुटियानी में। फ्रेंड्स, बिहार एसआई का जो 26/12/2021 को एग्ज़ाम हुआ था, प्रथम पाली का एनालिसिस पूरी तरह से ला दिए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह फ्रेंड्स किया गया है उत्तराखंड में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है? तो यह रिले रेस से होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनजाति प्रथा का कारण नहीं है? तो यह विवाह समूहों के सदस्य हो सकते हैं जो जाति प्रथा का कारण नहीं है। इससे फ्रेंड्स आप मिला लेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन आंसर सही है और कितना गलत है, इसके अनुसार आप कट अप निकाल सकते हैं। PURA का पूरा नाम पूछा है फ्रेंड्स, तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया है? यह असम में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि थी? तो नॉनकिंग संधि थी। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक है? तो यह अभिजीत गुप्ता है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो यह प्रथा का है। इनफेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो यह प्रवासी से है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह बैरन द्वीप है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा मंत्रालय खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के हैं। खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो यह युवा मामले और खेल मंत्रालय से है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1974 में पारित किया गया है। QUAD कौन सा चार देश समाविष्ट किए गए हैं? तो QUAD में USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए हैं। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंद को चावल हल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल पानी में शामिल है। तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, स्टार्च को इंगित करता है जिसे मंड भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो यह आपका 8649 है जो पूर्ण वर्ग है। यह मैथ का क्वेश्चन है, आप हल कर सकते हैं। निम्न में किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ किया था? तो एली लिली जो है इसी ने, इस कंपनी ने 1883 में ह्यूमिलिन की आरंभ
आरंभ किया था। भारत वन अनुसंधान संस्थान है, तो भारत वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। निम्नलिखित में किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? यह अर्ध भूमि का संरक्षण से संबंधित है। चेन मेंग किस संप्रदा की चैंपियन खिलाड़ी है? यह टेबल टेनिस की है। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है तो ल्यूसीन है, जो कि एक एमिनो एसिड है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है, यह असम में प्रथम स्थान है चाय उत्पादन में। भारत आकार में है तो भारत का विश्व में सातवां बड़ा देश है, जो कि आकार में है। ऐसी समशिष्ट परस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न तो लाभ न ही हानि होता है, क्या कहते हैं? यह सहभोजिता कहते हैं। सौर सेल बनने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, यह फ्रेंड्स सिलिकॉन है। किस प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? यह वियतनाम हो जाएगा। प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह वालों में होता है, यह प्लाज्मा होता है। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन करता है, यह आपका विश्व बैंक कमीशन जो है इसी के द्वारा किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस विषय राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिया? तो इसमें फ्रेंड्स वन एवं स्थानीय सरकार हो जाएगा। 33वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा होगी? यह पेरिस, कहां पर किया जाएगा? तो यह पेरिस में किया जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है? यह उत्साद मंसूर को दिया गया है। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यह फुटबॉल से संबंधित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी, तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा इनका आंसर। सेवा क्षेत्र विकास, कृषि गत विकास और औद्योगिक विकास, इनमें सभी। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो यह नियंत्रित क्षण हो जाएगा। यूटोपिया का लेखक है, तो यह थॉमस मोर है यूटोपिया का लेखक। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः है, यह 80S राइबोसोम, 70S एवं 70S राइबोसोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? यह परिवार के सदस्य जो है यह समूह का उदाहरण है। औरन नो दो योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? यह असम राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? यह स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। निम्न में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? यह अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया है। गंधार कला शैली समन्वय है, यह भारतीय और ग्रीक कला का है।
हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अनुक्रमांक को पूरा कीजिए, ये फ्रेंड्स रीजनिंग है तो आप सॉल्व करेंगे तो एन पर पावर माइनस एन पर पावर 17 मीटर आ जाएगा। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? यह सुमंगल वेब पोर्टल को प्रारंभ किया गया है। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है तो स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा इडली को बनाया जाता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है तो वह इमर्सन फिजिंग है। तेल की पतली फिल्म पर परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है तो यह व्यतिकरण है। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो साइटोफाइन ई फाइलो को काकीय पनपते हैं। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है तो दूरी ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, गाड़ियों में लगाया जाता है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में स्वेता परिभाषित किया जाता है वह है तो किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करते हैं? सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल कितने बार हाथ मिला पाएंगे? तो फ्रेंड्स यह मैथ का सवाल है, इसे आप हल करेंगे तो इसका 45 आंसर आ जाएगा। यह भी मैथ का सवाल है, इसे आप हल करेंगे तो 950 आ जाएगा। यह भी मैथ का सवाल है, इसे आप हल करेंगे तो 101 आ जाएगा। वर संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। पुरुषों का चक्का डिस्क वजन है तो यह 2 kg है फ्रेंड्स। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में ऐसे सार्वभौमिक संख्या किसकी होती है? तो यह हो जाएगा अपघटक का। अपघटक का सार्वभौमिक संख्या होता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है तो इंदिरा कौल है। निम्नलिखित में से ए प्रोमिस लॉर्ड पुस्तक के लेखक है तो बराक ओबामा है। इसमें लुप्त संख्या 342 आ जाएगा, इसे यदि आप हल करेंगे तो। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। आज तक प्रदान किए गए पारंपरिक चक्र, तो पारंपरिक चक्र 21 कुल दिए गए हैं। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो गुजरात झारखंड और त्रिपुरा के राज्य से होकर गुजरते हैं। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। निसार इसरो तथा
डाइस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, यह नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। दुर्खमी के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है तो समावयवीय एकता होता है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, तब भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था, उस समय भारत का वायसराय लीथोंगे थे। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजॉन के द्वारा शुरू किया गया है। नाभिकीय क्षय उत्सर्जित कणों का क्रम तो बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा फ्रेंड्स। सोनार का संक्षिप्त रूप साउंड नेगी वेसन है और रेजिंग हो जाएगा, जो कि जहाजों में, पानी वाले जहाजों में उपयोग किया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पोर्ट्स पोर्टल विकसित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया है तो 1962 में किया गया है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। दूध में उपस्थित शर्करा है तो लैक्टोज है। एल्जर्न एक प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनाने वाली प्रतिरक्षियां हैं तो LAG है। किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है। जब किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है तो आवेश और ऊर्जा हो जाएगा इसका फ्रेंड आंसर। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनाती है? तो इसका हो जाएगा पारा। फिलिप स्प्रे नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में दिया गया था। इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ये आंसर, ये वार वाला मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप हल कर लेंगे। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया है। फजल अली आयोग संबंधित है तो राज्यों के पुनर्गठन से। अशोक चक्र सौर्य परमवीर वर्ष स्थापित किया था किस वर्ष? तो 1952 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी टेस्ट फायर किया है? यह रूस के द्वारा किया गया है। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना है। उत्पादक संभावना परिधि के अंदर स्थित है तो साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति तो अनुच्छेद हो जाएगा 123 में। आमने सामने की अंत क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं तो सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? केरल में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो 1,029 मिलियन थी।
गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था तो राजेंद्र प्रथम। भारत की प्रथम संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की गई है? तो यह परभणी महाराष्ट्र में की गई है। अपूर्वी चंदेला का संबंध है तो निशानेबाजी से है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का अवसर है तो प्रातः काल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो यही आंसर होगा फ्रेंड्स। किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C32L H2 क्रायोजेनिक प्रोटोकॉल टेक को विकसित किया गया है? तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह कृष्णा सोबती को पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप पूरी तरह से 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए हैं। आप मिला लें कि कितने आपका क्वेश्चन सही हुआ है और कितने आपका गलत हुआ है, इसके अनुसार आप कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सेकेंड शिफ्ट का भी आप एनालिसिस देख सकते हैं, आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।